झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सूबे का सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सुरेन की नई पार्टी के ऐलान के बाद कई दलों की उन पर नजरें बनी हुई हैं और उन दलों में नीतीश कुमार की जेडीयू भी अब शामिल हो चुकी है। पार्टी नेता सरयू राय ने चंपई सुरेन को जेडीयू के साथ आने का खुला ऑफर दे दिया है। सरयू राय का कहना है कि चंपई सुरेन ने कह दिया कि वह संन्यास नहीं लेंगे, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, अपनी पार्टी बनाएंगे, समान विचारधारा वालों से गठबंधन करेंगे। वे बड़े नेता हैं, उनको जदयू से गठबंधन करना चाहिए, नीतीश कुमार से बात करनी चाहिए। चंपई को अगर लगता है कि वे जदयू के विचार के नजदीक हैं तो उनको जदयू से बात करनी ही चाहिए। अगर चंपई बात करना चाहेंगे तो जदयू की ओर से मैं उनसे बात करूंगा। सरयू राय ने आगे अपने बयान में ये भी कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया उससे वे अपमानित महसूस कर रहे हैं, उनके सम्मान पर ठेस पहुंची है। वैसे चंपई सुरेन अपमानित महसूस किए, लेकिन हेमंत सुरेन सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए चंपई मंत्री हैं, ये बात सुकून नहीं देती है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ने को लेकर सरयू राय ने अपना बयान दिया, कहा कि मैं जमशेदपुर पूर्व से ही झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। कोशिश तो यही है कि एनडीए में जदयू सरकार रहकर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। आपको बता दें कि चंपई सुरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा से खुली बगावत के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वे बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने फिलहाल ऐसा नहीं करते हुए अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि जो साथी राह में मिलेंगे उनको भी हम अपने साथ ले चलेंगे। चंपई सुरेन कहीं ना कहीं अब जो ये अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं और हेमंत सुरेन की पार्टी के साथ अपने हाथ पीछे खींच चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार लगातार चंपई सुरेन से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। सरयू राय तमाम तरह के अलग बयान दे रहे हैं कि समान विचारधारा के लोग जदयू के साथ रहें तो ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। ये तमाम ऐसी अटकलें इसी बीच लगाई जा रही हैं कि अब चंपई सुरेन कोई बड़ा कदम आने वाले समय में उठा सकते हैं।